हेलो दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि अगर आपको बिल डिस्काउंट देना है, यानी कि एक बिल में आपने 10 आइटम, 4 आइटम, जितने भी आइटम आपने दिए हैं, आप चाहते हैं कि जब भी बिल सेव करें तो उनको डिस्काउंट दे सके। अब डिस्काउंट में भी दोनों ऑप्शन आपके पास होने चाहिए, या तो आप परसेंटेज में उसको डिस्काउंट दे सके बिल का पूरा, या फिर अमाउंट में डिस्काउंट दे सके। तो दोस्तों यही जो है इस वीडियो में हम जानेंगे। और आपका किसी भी तरीके का बिजनेस हो, आपने मार्क सॉफ्टवेयर में किसी भी लेवल पे अपना जो है कंपनी क्रिएट किया हो, सबके लिए प्रोसीजर सेम है। सबके लिए प्रोसीजर जो सेटिंग का जो मैं अभी बताऊंगा इस वीडियो में, वो एकदम सेम रहने वाला है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें और ध्यान से देखें, जब जाके आप जो है ये सेटअप कर पाएंगे कि डिस्काउंट अगर देना है परसेंटेज में या अमाउंट में, तो आप इजी वे में दे सकते। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहती है। और अगर आपको कोई भी सर्विसेज लेना है या सॉफ्टवेयर बाय करना है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी इसमें कोई भी सेटअप नहीं हो रखा। जैसे आप कोई भी कंपनी क्रिएट करेंगे, जैसे कि यह बाय डिफॉल्ट एक सुपरमार्केट की कंपनी है। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि अगर आपको आइटम के लेवल पर डिस्काउंट देना है तो वो कैसे देंगे, तो ये पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आप जो है आइटम के लेवल पर भी डिस्काउंट को ऑन कर सके। इस वीडियो में जो हम जानेंगे वो जानेंगे बिल डिस्काउंट। बिल डिस्काउंट यानी कि जब भी आप बिल को सेव करेंगे तो यहाँ पर जो डिस्काउंट आता है पूरे बिल पर डिस्काउंट कैसे लोड करना है। तो दोस्तों देखिए, जनरली मैं अभी कोई भी आइटम यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ। सपोज हमने एक ये आइटम ले लिया और एक ये आइटम ले लिया, टोटल 400 रुपए का बिल हो गया इनका। और अगर मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के 2 से 3 ही ऑप्शन होते हैं, या तो कंट्रोल W से सेव करेंगे आप, एंड से सेव करेंगे, किसी से भी सेव करेंगे, तो देखिये दोस्तों मेरे पे ऑप्शन वो नहीं आ रहा। जैसे ही मैंने एंड किया या मैं कंट्रोल W करता हूँ, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, मतलब ये जो बिल डिस्काउंट है, यहाँ पे रुक नहीं रहा, यानी कर्जर यहाँ पे वेट नहीं कर रहा कि मैं डिस्काउंट भी डाल सकूं। तो दोस्तों इसके लिए अब हमें क्या करना है, आपको सबसे पहले स्किप करके होम पेज पे आ जाना है। आप मास्टर के मेनू में आए, उसके बाद मार्क सेटअप, और यहाँ कंट्रोल रूम पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले वाले ऑप्शन पे सर्च इन ऑल पे क्लिक करें या एंटर करें, और यहाँ पे आप टाइप करें बिल, और यहाँ पे फिर आगे टाइप करें डिस्काउंट। तो मैंने यहाँ टाइप कर दिया बिल डिस्काउंट, उसके बाद एक्सेप्ट करें। और एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे देखिए, आपको 2 से 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन को इनेबल करना है। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, ताकि कोई मिस्टेक ना हो आपसे। ये जो तीसरी लाइन में आप देख पा रहे हैं, तीसरी लाइन में बिल डिस्काउंट, इसको वाई करना है पहला। और दूसरा जो ये लाइन आप देख पा रहे हैं, इसको हम करेंगे बिल, आइटम नहीं करेंगे, बिल करेंगे, ठीक है। और फिर ये जो तीसरा ऑप्शन है, इस तीसरे ऑप्शन को भी हम क्या करेंगे, सेल परचेज, और आगे बहुत भी दे रखा होगा, या फिर हम इसको कर देंगे सेल, या मैं चेक कर लेता हूँ आगे क्या दे रखा है। बिल्कुल ये देखिए, आगे बहुत भी दे रखा है, मतलब कि सेल परचेज दोनों में आपसे पूछे। तो ये 2 सेटिंग को हम इनेबल करेंगे। ये किस लिए, जैसे आपको परसेंटेज में डिस्काउंट नहीं देना, आप अमाउंट में डिस्काउंट देना चाहते हैं, सपोज 100, 50 जो भी अभी हमने जैसे बिल बनाया था, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ये जो आप लाइन देख पा रहे हैं तीसरी लाइन जो है शुरुआत की, यहाँ पे जो है दोस्तों अभी हो रखा है पी, पी का मतलब है परचेज, तो हम इसे कर देते हैं वाई। वाई का मतलब क्या है यहाँ पे, ये अगर आप देख पा रहे हो तो वाई का मतलब है बहुत, मतलब सेल में भी आपसे पूछे, परचेज में भी आपसे पूछे। उसके बाद दोस्तों जो दूसरी लाइन है आस्क बिल, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आस्क बिल, इसको करेंगे बिल वाइज, तो हमने इसको बिल कर दिया। और जो तीसरी लाइन है दोस्तों, तीसरी लाइन में आपको करना है बॉथ, अभी पी हो रखा है, पी का मतलब परचेज है और बॉथ का मतलब सेल परचेज दोनों में। तो ये 3 सेटिंग आपको इनेबल करनी है, जो कि एक साथ है, आपको कंफ्यूज भी नहीं होना पड़ेगा। पहले में आप वाई करेंगे, दूसरे में बी, और तीसरे में भी वी, और उसके बाद दोस्तों स्केप करके से यस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैं जो है बिलिंग करता हूँ, सपोज हम यही सेम आइटम ले लेते हैं, आप कोई सा भी आइटम ले सकते हैं। ये देखिए अब हमारा जो बिल है वो 400 का बन रहा है। अब जैसे ही मैं बिल को सेव करूंगा, और किसी भी मोड में सेव करता हूँ, चाहे मैं कंट्रोल W से करूं, चाहे एंड के बटन से करूं, चाहे किसी भी की से मैं अगर बिल को सेव करता हूँ, तो अब मेरा जो कर्जर है वो यहाँ पे देखिए होल्ड ऑन हो रहा है। अगर आप देख पा रहे हो ध्यान से, ये जो डिस्काउंट का ऑप्शन है यहाँ पे होल्ड हो रहा है। तो जो पहले जो ऑप्शन यहाँ पे रुक रहा है, ये परसेंटेज का है। अगर आप चाहते हैं कि मैं 10% का डिस्काउंट देना चाहता हूं इसके ऊपर, तो आप यहां पे 10% को मेंशन कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं मुझे परसेंटेज में नहीं देना, मुझे अमाउंट में देना है, तो आप इसको क्या है 0 छोड़ देंगे और यहां पे एंटर करेंगे। तो जैसे इसको 0 छोड़ के आप एंटर करेंगे, तो जो ये दूसरी तरफ जो ये स्वैप हुआ है, ये अमाउंट के लिए है। अब आप चाहते हैं कि नहीं मुझे परसेंटेज में देना, अमाउंट में, तो ये अमाउंट पे रुक गया। तो अब आप कितने अमाउंट पे देना चाहते हैं, तो मैंने करा 100 रुपीज, तो मैंने एंटर किया। और ये देखिए जो इसका बिल है, ये जो बिल जो बन रहा है, ये बन रहा है 300 रुपए का, क्योंकि 400 रुपए का टोटल बिल था, 100 रुपए का हमने इनको डिस्काउंट दे दिया, तो अब जो इनकी बिल की वैल्यू है वो 300 रुपए की है।
अब यहां से जो है बिल्कुल सेव कर देंगे, और फिर जो आगे का जो प्रोसीजर होता है डिस्काउंट, ये प्रिंट आउट निकालने का, ये सारी चीजों को करने का, तो ये बाकी का प्रोसीजर सेम है। तो इस वीडियो में आपने जाना कि कैसे जो है हम अपने बिल के डिस्काउंट को इनेबल करें, चाहे परसेंटेज में देना हो या फिर हमें अमाउंट में देना हो। आई होप दोस्तों कि ये क्लियरली समझ में भी आया होगा आपके। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपका इसमें रह रहा है या कोई नया क्वेश्चन है आपका, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे मिलती रहेगी। तो दोस्तों कोई भी मार्क की सर्विसेज लेनी हो आपको या बाय करना है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।